हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज हमारे पास जो अपनी गाड़ी है नेक्सॉन, उसको हम चलवाने वाले हैं। जो हमारे फोर्ड फीगो के ओनर थे उनसे, उनका भी मैंने ओनरशिप रिव्यू लिया है, काफ़ी अच्छे से बताया भाई ने सब कुछ, तो उसको भी आप ऊपर लिंक डाल दूंगा बटन में, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और बाकी ये बैठे हैं भाई, हार्दिक भाई हैं ये। अब इनसे पूछेंगे भाई हमारी गाड़ी चला के कैसा लग रहा है इनको फीगो के बाद। और ये कंपैरिजन नहीं है जो कि तुम बोलो कि भाई सेगमेंट ही नहीं है इन दोनों का, तो आपस में कुछ क्या कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ रिएक्शन ले रहा हूँ, रिव्यू ले रहा हूँ। ठीक है, चुप कर जाना, बैठ गए भाई। पहले तो बैठ के बताओ कुछ क्या अलग अलग लग रहा है या क्या है कुछ सीन? कंफर्टेबल बताओ भाई, क्या कुछ अलग लग रहा है, क्या है क्या नहीं? ऑन कर लो गाड़ी को, बढ़िया भाई। सबसे पहले तो सिटिंग पोस्चर, ऊंचे बैठे हैं हम यहाँ पे इस गाड़ी में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब मेरे को पर्सनली लो जितना हो सको ना, मैं मुझे उतना पसंद है, लेकिन ये गाड़ी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। मतलब विजिबिलिटी काफी अच्छी खासी है, सीट्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है, प्लस मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करी है, पता भी नहीं चला। और दूसरी चीज, इसका क्लच बहुत हल्का है। अच्छा, आई थिंक उसके बाद तो सभी गाड़ियों के क्लच हल्के रहेंगे, पर इसका काफी लाइट क्लच है। मतलब इज टू ऑपरेट, जो जैसे आप कहते हैं ना, वो जो नेचर जो होता है क्लच में, बहुत अच्छा है। मतलब सिटी के हिसाब से आपका परफेक्ट क्लच में इसे कह सकता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी फोर्ड अपनी फीगो चलाने के बाद ना मेरे मन में ऐसा आ गया है, एक चाहे नेगेटिव कह लो चाहे कुछ कह लो आप इसको, कि भाई सिटी के लिए एक ऑटोमेटिक कार होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसका क्लच ना कई बार, मतलब क्योंकि दिल्ली में आपको पता है जाम कितना लगता है, स्पेशली बारिश के खड़ा होना पड़ता है, दो दो ढाई ढाई घंटे लगते हैं अपना 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो मन नहीं करता उसके बाद चलाने का मैनुअल। बढ़िया, तो बाकी पता तो होगा आपको, इसमें तीन मोड्स दे रखे, तीनों पे आप एक बार चला चला के देख लेना। चार बंदे भाई हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर भाई, बहुत स्मूथ कार है, चलाते पता चल गया, रूप से उठी है गाड़ी, बहुत ही स्मूथ। इसमें ना इतनी आवाज इंजन की नहीं आती जितनी ज्यादा इसकी फैन से आती है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि गाड़ी बहुत मतलब इंसुलेट जो कर रखी है ना टाटा ने बाहर से, अपनी मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से, बहुत बहुत अच्छा है। कुछ पता भी नहीं चल रहा कि हम चल रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने एक बात बताता हूँ, जब फीगो लेने वाला था तो उससे पहले जो फर्स्ट जेन नेक्सॉन जो आई थी ना, हाँ, तो मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। अच्छा, उसकी भी ली थी, मैं इस सेगमेंट में भी जाना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन वही अगेन दो तीन बातें, एक तो मुझे ये सेगमेंट पर्सनली, मुझे हैचबैक ज्यादा पसंद है। ठीक है, ऑब्वियसली इस सेगमेंट में आपको ज्यादा यूटिलिटी फीचर्स मिलता है, आपको हायर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, आपको स्पेस बहुत मिलती है, बट मुझे पर्सनली हैचबैक्स पसंद है। मुझे लो स्लंग कार्स ज्यादा अच्छी लगती है, जो लो से लो होके बैठ के चलाना चाहो, गोपाड़ वाली जो फीलिंग आती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद का जो सेटअप है ना राइड और हैंडलिंग का, वो मतलब टाटा ने मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। बम सारे सूख करता है, प्लस कॉर्नर्स पे ना इस गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस का भी लूज नहीं होता, इसका स्टीयरिंग भी एडिक्वेट आपका वेट प्रोवाइड करता है, व्हील और फीडबैक भी अच्छा है, और इंजन भी अच्छा खासा पावरफुल था उसका। मैं तो डीजल चलाई थी उस टाइम पे, क्लच भी उसका काफी लाइट था, इसका तो पता भी नहीं चल रहा है। ये तो पेट्रोल ही है, अपने पेट्रोल है, सिटी मोड में चल रहे हैं, और मतलब सफिशिएंट पावर है जिस हिसाब से, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी, तो बहुत अच्छा है। और आई मीन इसमें फीचर्स भी काफी ज्यादा आती है, और प्लस सबसे सबसे बड़ी बात जो आजकल हमारी यहाँ की जो कस्टमर्स है ना, फॉर्चुनेटली जो अवेयर हो रहे हैं, वो यही चीज है कि आपको सेफ्टी कितनी मिल रही है। तो इस सेगमेंट में ना सिर्फ दो गाड़ियां हैं, देखो एक आपकी XUV 300 और आपकी एक टाटा नेक्सॉन जो आपको 5-star सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करती है। XUV का थोड़ा सा ऊपर है इस मामले में टाटा का ना, मुझे एक पॉइंट जो है पर्सनली, वो मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती कि टाटा अपने टॉप मॉडल में भी ना आपको 6 एयरबैग तो बोलते हो, 4 एयरबैग भी नहीं देगा, दो एयरबैग प्रोवाइड करता है, दो ही करता है। तो आई थिंक टाटा को वो चीज करनी चाहिए कि अब 6 एयरबैग प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सीरियसली मैंने मतलब देखा है ना, जो आपका जो टेस्टिंग होती है ना साइड पोल टेस्ट में, आपका ये एयरबैग बहुत मतलब जान बचा लेता है।
तो ये चीज मुझे एक टाटा की एज अ कंपनी एक नेगेटिव पॉइंट लगता है बस। बाकी जो ये आप बोल रहे हो ना, इसके अंदर एक्सयूवी के अगर आप लोअर मॉडल्स देखोगे बेस वेरिएंट के पास जाते हो जब, तो उसके अंदर इतनी सेफ्टी नहीं मिलती है। नहीं मिलती उसकी। नेक्सॉन में ये है कि बेस वेरिएंट से इन्होंने सारे जो भी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स है सारे डाल रखे हैं, बट वो चीज है। हाँ, एयरबैग वाली मैं मानता हूँ मैं कि क्योंकि है पूरा। आपका जो नेक्सॉन है ना, नेक्सॉन में आपको बेस वेरिएंट से आई थिंक दो एयरबैग मिल रहे हैं। हाँ, तो जब आपको बेस वेरिएंट से दो एयरबैग मिल रहे हैं तो आपके और स्ट्रक्चर सारी गाड़ियों का सेम रहता है। हाँ, आपके स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ तो चेंज होनी नहीं है, जो स्टील आपको उस गाड़ी में, जो डिजाइन उस गाड़ी में, वही आपका आपका टॉप मॉडल में लगेगा। और एक्सयूवी में आपका जो बेस वेरिएंट है ना उसमें आपको दो एयरबैग मिलेंगे और टॉप मॉडल में आपको सात एयरबैग मिलेंगे, फ्रंट साइड साइड कर्टन ड्राइवर का भी। तो उस वजह से आपकी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आई थिंक मतलब इंटीरियर भी बहुत बहुत अच्छा है इस गाड़ी का है। मुझे मुझे पसंद आई थी ये गाड़ी। अच्छा। मुझे फर्स्ट जेन का मुझे पर्सनली, क्योंकि डिजाइन तो सब्जेक्टिव होता है आपका, लुक्स जो गाड़ी के कहते हैं, तो फर्स्ट जेन वाले का मुझे एक्सटीरियर पसंद नहीं आया था पर्सनली। बहुत लोगों को अच्छा लगा था, मेरी फैमिली में बाकी लोगों को अच्छा लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। ये जन मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में। मुझे बस एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मुझे बहुत मतलब टाटा को जो करना चाहिए था इस गाड़ी में, अब पता नहीं वो इसमें करेंगे, इसके नेक्स्ट जो फेसलिफ्ट करेंगे उसमें करेंगे, कि जो आपका ईवी में जो आपका दे रखा है, आपका अल्ट्रोस में दे रखा है, आपका अभी वो टाटा की पंच आने वाली है उसमें भी इन्होंने वो दे रखा है सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग, तो वो बहुत प्रीमियम लगता है, मतलब वो एक अलग ही सेगमेंट जाता है। तो जब टाटा ने उससे इससे सस्ती गाड़ी में वो दे रखे हैं आपको डिस्प्लेस, तो आई थिंक इसमें भी देनी चाहिए थी। और कोई एक बार यहाँ से यू टर्न लेके दूसरे मोड में चला कर देख, बिल्कुल कर दो आराम से। स्टेबिलिटी फील हुई अभी तक गाड़ी में? हाँ, ये मैंने पहले भी काफी चलाई है गाड़ी ना। बॉडी रोल इतना है नहीं इस गाड़ी में आपका, बॉडी रोल आपको मिनिमम से मिनिमम मिलता है इस गाड़ी में, और कॉर्नर्स में भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है आपके पास, और ब्रेक्स भी अच्छे हैं इस गाड़ी के। इको मोड में देखते हैं, ये बस वो ना जब गाड़ी भरी रहती तब काफी ज्यादा ऐसा लगता है खींच रहा है इंजन, तो उस टाइम पे बस उस टाइम पे थोड़ा जरूरत पड़ जाती है सिटी की, होता ही है। अच्छा, मोस्टली लोग जो डे टू डे ड्राइविंग करते हैं ना, वो या तो अकेले करते हैं या दो बंदे होते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है, हम चार बंदे बैठे हैं और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे उसमें पावर लैग या फिर स्पोर्ट मोड में डालने की जरूरत है गाड़ी में, कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे अभी स्टार्ट भी करी चलो गाड़ी, मैनेज करना पड़ता है। सेल्टोस में बिल्कुल सेंटर में है। तो आपको हाथ हटाना पड़ेगा या फिर आपके हाथ बड़े होने चाहिए। अरे अभी मैंने इससे पहले जैसे पुरानी काफी एक अंकल की गाड़ी उस पे सीखी थी मैंने, चलाई थी मतलब सीखी, तो इसी पे थी अच्छे, तो उसको एक दो बार चलाया था, तो उसमें बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सेंटर में, और वो भी बटन सा है, ये नहीं कि आराम से जाके प्रेस कर दो, उसको बिल्कुल हटा के प्रेस करना पड़ेगा। हाँ यही है, बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम। और
में भी थोड़ा सा लगता है थोड़ा थोड़ा, और चलने में तो दिखते ही लुक का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर नहीं पसंद होगी ना तो बहुत किल्स होगी। लोगों को अच्छी लगी है, बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत एप्रिसिएशन भी मिला उसके डिजाइन के बारे में, और इंटीरियर बहुत अच्छा उस गाड़ी का, नो डाउट बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर, ऐसा ही इंटीरियर, ऐसा कुछ चेंज नहीं है बिल्कुल भी मेजर, अच्छा मतलब प्लश सा फील होता है उसका इंटीरियर बहुत ज्यादा। मुझे एक्सीडेंट पसंद नहीं, पसंद मेरा टेस्ट है वो, मेरे को भी नहीं पसंद भाई बहुत ज्यादा वो ना, सच बताऊं तो इसके सामने बच्ची सी लगने वाला सीन है वो, क्यूट सा थोड़ा सा फेस, वो तुम कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल के भी थोड़ी सी वो बेइज्जती सी कर रहे हो, ये थोड़ी मस्कुलर थोड़ा सा काफी वो बना दिया इसको चेंज। और आई थिंक इसके बेस वेरिएंट से ही इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। हाँ 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 बेस वेरिएंट से मिलते हैं, तो बस एक ही चीज की कमी है जो यहाँ पे डिफॉगर नहीं दिया इन्होंने यार, एक दे देना चाहिए था कम से कम डिफॉगर तो दे देते, बस हाँ। उसी की थोड़ी सी कमी लगती है, नहीं तो और मेरे को ऐसे कुछ कमी नहीं लगती इस गाड़ी में, इस गाड़ी में मुझे भी कोई कमी नहीं लगती, बस मेरा पर्सनल टेस्ट नहीं था एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी का। अब ये एक बात बताओ भाई, आपने उसमें ओनरशिप रिव्यू में भी ये चीज काफी बोली थी और इसमें भी, लो गाड़ियां क्यों पसंद है, मतलब उसमें जो प्लेजर होता है ना, एक तो लो गाड़ियों का फायदा जो होता है, आप जितना नीचे बैठोगे गाड़ी से उतना उसका मतलब है गाड़ी ऑब्वियसली लो है तभी आप इतना नीचे बैठ रहे हो, तो उसमें क्या है ना आपका बॉडी रोल नहीं होता। अच्छा, तो जब आप कॉर्नर्स पे जाते हो, ऑब्वियसली सस्पेंशन की भी बात होती है, जब आप कॉर्नर्स पे जाते हो ना तो आपको डर नहीं लगता, आप मोड़ रहे हो गाड़ी घूम रही है वो नहीं लगता आपको, तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है लो गाड़ियों का। अच्छा, और दूसरा मतलब उसमें ना गो कार्ट फीलिंग आती है। अच्छा, कहीं भी घुमा दो एकदम से, वो जो मतलब क्या कहते हैं एजिलिटी जो होती है ना उस गाड़ियों की, स्पेशली फिगो की, वो बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को, पोलो की भी बहुत अच्छी है बट मुझे इसकी ज्यादा अच्छी लगी खुद चलाने पे, और प्राइस डिफरेंस तो रही, दोनों चीजों को देखना पड़ता है। मेरे को लो गाड़ियां ज्यादा पसंद है, मेरे को शुरू से लो गाड़ियां पसंद है, मैं आज के टाइम पर भी मैं हैचबैक को प्रेफर करूंगा ओवर द ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। अरे एक बात होता है यार, जैसे बारिश वारिश होती रहती है, कभी पानी वानी भरा है, कई बार हो जाता है ना भाई पानी भर जाता है। हाँ बहुत पानी में निकाली है मैंने गाड़ी, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है, देखो अगर आप एसयूवी तो है नहीं कि कहीं भी ले जाओगे, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब मैं गांव की साइड में तो रह नहीं रहा, रूरल इंडिया में तो मैं रह नहीं रहा जहाँ पे सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, मैं एनसीआर में रह रहा हूँ, एनसीआर में आपकी 99% सड़कें ठीक है और पानी भरता भी है तो इतना नहीं भरता कि आपकी गाड़ी अटक ही जाएगी, वो बहुत ही एक्सट्रीम बारिश जब हो रही है ना तब होता है बस, और उस केस में तो अगर बसें डूबी हुई है दिल्ली में तो ये गाड़ियां क्या है, तो कोई भी गाड़ी ले लो डूबी जाएंगे, तो इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाए, हाँ इस फैक्टर की वजह से मैं गाड़ी ना लूं, बिल्कुल ये रीजन है। चलो भाई थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गाड़ी के साथ, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर जाना एज यूजुअल, और सब्सक्राइब भी कर लो करना हो तो, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर और थैंक यू भाई। चलो भाई तुम दोनों को भी थैंक, ये बैठे बैठे मजे ले रहे, चलो भाई बाय।